सर, पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जो है अपनी बाइक को पूरा अच्छी तरीके से वॉश करने के लिए एक इस तरीके का हाई प्रेशर नोजल बनाया था। तो इस नोजल की अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। तो इस नोजल के अंदर एक बात की दिक्कत थी कि इसके अंदर से हमारा जो पानी का प्रेशर निकलता था वो एक जगह पर सिर्फ पॉइंटेड रहता था, मतलब कि एकदम पूरे से फुहारा की तरह स्प्रेड होकर नहीं निकलता है। तो इसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये छोटा सा सिस्टम लगाएंगे जिस सिस्टम की मदद से हम लोग जो है इसके पानी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और जैसे चाहें अपने मन मर्जी के हिसाब से इसके पानी को जब मन करे स्प्रेड कर देंगे, मतलब फैला देंगे, जब मन करे जगह पे पॉइंट कर देंगे। तो चलो फटाफट इसके अंदर हम लोग उस सिस्टम को लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसके अंदर एकदम सिंपल सा सिस्टम है हमारा, हमने जो है इस तरीके का पीवीसी पाइप को हाफ शेप में कट कर लिया है कुछ इस तरीके से और आगे से जो है हमने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब हमारा जो ये पीवीसी का पाइप है ये इसके यहाँ पर आके कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है पूरा टेप की मदद से चिपका देंगे और फिर जो है यहाँ पर हम लोग ये छोटा सा जो है होल करके उसके अंदर इस नट को कस देंगे। हम लोग जब हमारे इसके अंदर से पानी निकलेगा, हम लोग जितना नट को कसेंगे हमारा पानी उतना पूरा स्प्रेड हो जाएगा और जितना ज़्यादा हम लोग नट को इसको मतलब स्क्रू पर ढीला कर देंगे तो हमारा जो पानी जगह जगह पर पॉइंट हो जाएगा। चलो इस चीज़ को हम लोग पूरा जोड़ के पूरा संभाल करके फिर आपको दिखा देंगे। अब जो है हमारा हाई प्रेशर नोजल बनके एकदम पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसकी बारी है टेस्टिंग करने की और फिर उसके बाद में आपको हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से अब ये है वर्क कर रहा है। तो चलो फटाफट से अब हम लोग जो है अपने बाइक को धुल कर इसे देख लेते हैं। अब हमारी ये बाइक जो है पूरी तरीके से धुलने के लिए रेडी हो चुकी है। अब चलिए हम अपने इस हाई प्रेशर नोजल को इस पाइप के अंदर फिक्स करते हैं और फिर उसके बाद में जो है अपनी बाइक को धुल कर हम लोग अच्छे तरीके से पूरा देखते हैं। हम लोग इसे बांधने के लिए जो है यहाँ पे रबड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो हमारा पाइप जो है निकल भी सकता है। देखिए अब हमारा जो है ये हाई प्रेशर नोजल पूरे तरीके से इसके अंदर फिट हो चुका है। हम लोग अब इसके स्क्रू को, इस वाले स्क्रू को जैसे पूरा एकदम टाइट कर देंगे तो हमारा पानी पूरा स्प्रेड हो जाएगा और जैसे ही हम लोग इस स्क्रू को पूरा एकदम ढीला कर देंगे तो हमारा जो पानी है एक जगह पे पॉइंटेड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है अपने पानी को चलाते हैं और फिर उसके बाद में आपको पूरा एकदम फुल टेस्ट करके दिखाते हैं। तो कई सर अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है एकदम पूरे अच्छे तरीके से चालू हो गया है और हमारा पानी देखिए अभी जो है एक जगह पे एकदम पूरा पॉइंटेड है। अब देखिए हम लोग जैसे ही अपने इस स्क्रू को टाइट करेंगे तो हमारा पानी आप लोग देखना एकदम पूरा स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। देखिए हल्का हल्का जो हमारा पानी देखिए स्प्रेड होने लगा है। अब देखिए हमारा पानी एकदम पूरे तरीके से स्प्रेड हो चुका है। अब हम अपनी बाइक को किसी भी तरीके से चाहें धुल सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर हम लोग जैसे कहीं ज़्यादा मिट्टी लगी हो हम लोग अगर चाहें तो इसके पानी को पॉइंटेड करके वहाँ पर मार सकते हैं। देखिए अब हम लोग इसके पानी को पूरी तरीके से पॉइंटेड कर दे रहे हैं। अब देखिए अब फिर हम लोग जो है बाइक को धुलेंगे। तो आप लोग जो है इस तरीके से इसके पानी के प्रेशर को भी पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। आपका जब मन करे आप पॉइंटेड कर सकते हो, आपका जब मन करे आप इसे स्प्रेड भी कर सकते हो। चलिए आप इसे थोड़ा अच्छी लगी हो तो आप लोग फटाफट से जाना वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी कमाल धमाल की वीडियोस को आप लोग देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर इसके बारे में कुछ आप लोग जरूर से लिख देना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।